लेकिन सीधे रुख करते हैं सचिवालय का, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त पहुंचे हुए हैं। रमाकांत जी, आज हम श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हुए नमन करते हैं। अशोक गहलोत तमाम पदाधिकारी और मंत्री उनके साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है और उन्हें ही श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पहुंचे हैं। शांति सभा का यहां आयोजन किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत करेंगे और सचिवालय पहुंच चुके हैं। एक एक कर महात्मा गांधी को यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जयपुर से ये सीधी तस्वीरें आई हैं सचिवालय से, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप देख सकते हैं। तमाम पदाधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं। कांग्रेस के नेता विधायक का यहां पहुंचे हैं और सहयोगी भरत राज ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भरत, यहां पर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है आज और इसी के मद्देनजर शांति सभा का आयोजन किया गया है, क्या कुछ ये तस्वीरें बयां कर रही हैं भरत? देखिए, शहीद दिवस पर सचिवालय में यह प्रार्थना सभा है और उसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचे हैं। उनके साथ मंत्री बीडी कल्ला, प्रसादी लाल मीना, अशोक चांदना, रघु शर्मा ये भी सचिवालय पहुंचे हैं और गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित वो कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर गांधी के प्रिय भजनों का गान होगा और उसके बाद 2 मिनट का मौन रखा जाएगा और श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जाएगी। इसके साथ ही जो गांधी के प्रिय भजन है रघुपति राघव राजा राम, इनका भजनों का गायन होगा और वो यहाँ पर बैठेंगे, कुछ देर रुकेंगे और उनको यहाँ पर सुनेंगे। तो कांग्रेस के मंत्री विधायक भी इनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं और मंत्री प्रताप सिंह खात्री आवास भी अब यहाँ पर पहुंचे हैं। बहुलाल मेघवाल पहुंचे हैं, अशोक तांडा पहुंचे हैं, बौर सिंह बाजी है, तमाम कांग्रेस के नेता और मंत्री यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने पुष्प अर्पित कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि यहाँ पर दी और सचिवालय के कर्मचारियों ने भी यहाँ पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर मंच पर के नीचे यहाँ पर बैठे हैं और अब उन्हें यहाँ पर गांधी जी के जो प्रिय भजनों का गान है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो भरत राज हमारे सहयोगी मौके से हमें जानकारियां दे रहे हैं। सचिवालय परिसर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहां महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर एक शांति सभा रखी गई है। महात्मा गांधी का प्रिय भजन उसका यहां पर गायन होगा, 2 मिनट का मौन रखा जाएगा और इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि महात्मा गांधी की मूर्ति के पास जाकर पुष्पांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप यहां तस्वीरों में देख पा रहे हैं, उनके साथ तमाम कैबिनेट मंत्री हैं, प्रताप सिंह खाचरवास प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं वो भी मौजूद हैं और कई विधायक, कई कैबिनेट मंत्री यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर ये कार्यक्रम आयोजित यहां पर किया गया है। महात्मा गांधी के अब से कुछ ही देर बाद भजनों का यहां पर गायन होगा और उसके बाद 2 मिनट का मौन रखा गया है। सचिवालय परिसर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो जयपुर से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप देख पा रहे हैं और स्कूल की छात्राएं भजन यहां पर प्रस्तुत करेंगी। रघुपति राघव राजा राम ये महात्मा गांधी का प्रिय भजन जिसका यहाँ पर अभी गायन होगा। भरत लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। भरत, यहाँ पर कुछ स्कूल की छात्राओं को बुलाया गया है जो इस भजन का गायन करेंगी। चलिए भरत से दोबारा संपर्क करने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर स्कूल की छात्राओं द्वारा महात्मा गांधी के प्रिय भजनों का गायन होगा और उसी में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिवालय पहुंचे हैं। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और इस मौके पर पुष्पांजलि अर्पित उन्होंने की। 2 तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पहली तस्वीर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप देख सकते हैं, वो बैठे हुए हैं और अभी से कुछ देर बाद यहां पर भजनों का जो गायन है वो शुरू होगा। और पहली तस्वीर उस वक्त की है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पुष्पांजलि अर्पित करने महात्मा गांधी की मूर्ति के पास पहुंचे हुए थे। कई कैबिनेट मंत्री, विधायक, तमाम पदाधिकारी इसी के साथ सचिवालय के जो कर्मचारी हैं उनके सहयोग से भी इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो आप सुन सकते हैं।
तो ये महात्मा गांधी के कुछ प्रिय भजन थे जिन्हें महात्मा गांधी हमेशा गुनगुनाया करते थे। देश की आज़ादी के समय जिस तरह से महात्मा गांधी ने बलिदान दिए हैं, महात्मा गांधी के नेतृत्व में जिस तरह से आज़ादी के लिए आंदोलन लड़ा गया, उस दौरान महात्मा गांधी के कुछ प्रिय भजन जो प्रचलित हैं पूरे देश भर में, उन्हीं का ये गायन यहाँ पर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर हो रहा है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरों में। तो सचिवालय से इसके बाद मुख्यमंत्री पीसीसी के दफ्तर भी जाएंगे और अभी सचिवालय से ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर तमाम पदाधिकारी, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं और महात्मा गांधी के प्रिय भजनों का यहां पर गायन हो रहा है। स्कूल की छात्राएं हैं जो महात्मा गांधी के इन भजनों को गा रही हैं और कई मंत्री यहाँ पहुंचे हुए हैं, कांग्रेस के कई विधायक यहाँ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर महात्मा गांधी की, जहाँ पुष्प अर्पित करने, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले पहुंचे और उसके बाद फिर जहाँ ये भजन सभा रखी गई है वहाँ मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं और महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर उनके भजनों द्वारा याद किया जा रहा है। सचिवालय परिसर में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, सचिवालय के जितने भी कर्मचारी हैं वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और इसके बाद सचिवालय से पीसीसी दफ्तर जाने का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यक्रम है और यहीं पर 2 मिनट का मौन भी रखा जाएगा महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर, उन्हें याद किया जाएगा, आज़ादी के आंदोलन में उनका उन्होंने जितना संघर्ष किया है उसे याद किया जाएगा। अलग अलग आंदोलन महात्मा गांधी ने जो चलाए थे आज़ादी के लिए उन्हें याद किया जाएगा। और सहयोगी भरत राज ज़्यादा जानकारियों के साथ एक बार फिर से फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। भरत, यहाँ पर 2 मिनट का मौन भी रखा जाएगा भजन गायन के बाद, उसके बाद पीसीसी जाने का भी कार्यक्रम है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, वहां पर भी क्या कोई विशेष कार्यक्रम? देखिए, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और इस दौरान शहीद दिवस पर जयपुर में कई जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं, विश्व सचिवालय में कार्यक्रम है, इसके बाद पीसीसी में कार्यक्रम होगा, शाम को सेंट्रल पार्क में भी कार्यक्रम है। तो आज पुण्यतिथि पर कई जगह कार्यक्रम है, प्रार्थना सभाएं हैं और गांधी जी को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। अभी सचिवालय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं, उन्होंने सबसे पहले पे राष्ट्रपिता महात्मा की जो प्रतिमा है वहां पर पुष्पांजलि अर्पित की है और उसके साथ ही कांग्रेस के तमाम मंत्री और विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं और अब सचिवालय में गांधी जी के प्रिय भजन है उनका यहाँ पर गायन हो रहा है और वो सब वहां पर उनका सुन रहे हैं, वो बैठे हैं और सचिवालय के सारे कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है, वो भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल है। प्रार्थना सभा चल रही है और अब 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। अभी कुछ देर बाद 11 बजे सायरन बजेगा और 2 मिनट का मौन रखकर उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। बिल्कुल, तो जिस तरह से भरत ने बताया, आज शहर भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, पीसीसी में भी, सेंट्रल पार्क में भी शांति सभा रखी गई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है और उसी के मौके पर अलग अलग जगह इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अभी सचिवालय में मुख्यमंत्री को आप देख सकते हैं यहाँ 11 बजे के आसपास, जिस तरह से हमारे सहयोगी ने जानकारी दी कि सायरन बजेगा और उसके बाद 2 मिनट का मौन यहाँ रखा जाएगा और फिर महात्मा गांधी को मौन के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इसी के साथ यहाँ पर भरत, जो ये भजन गायन कर रही हैं, ये स्कूल की छात्राएं हैं जिन्हें बुलाया गया है यहाँ पर? देखिए, गांधीनगर स्कूल की छात्राएं भी है और वहाँ की टीचर्स भी है जो हमेशा जब भी सचिवालय में कार्यक्रम होता है तो वो यहाँ पर पहुँचती है और गांधी जी को जो भजन है उनका यहाँ पर वो गायन करती है, उनकी एक टीम है जो यहाँ पर गायन करती है और हमेशा ये गांधीनगर स्कूल के छात्र छात्राएं यहाँ पर
पहुंचती है, आज भी पहुंचती है और गांधी जी के प्रिय वचनों का यहाँ पर गायन हो रहा है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती पुण्यतिथि सहित ऐसे कार्यक्रमों पर यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा जाता है, उनके वचनों का गायन यहाँ पर किया जाता है। इसमें सचिवालय के सभी कर्मचारी पहुंचते हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचते हैं, उनके वचनों का जो गायन होता है वो सुनते हैं, बैठते हैं और इसके बाद अब 2 मिनट का मौन रखा जाएगा जिसमें सचिवालय के सभी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद होंगे और कांग्रेस के मंत्री यहाँ पर मौजूद है, रघु शर्मा यहाँ पर मौजूद है, बी डी कल्ला मौजूद है, पवन लाल मौजूद है यहाँ पर, सुभाष गर्ग है, अशोक चंद है, टीकाराम जूली है, प्रताप सिंह खातिरेवास है, प्रसाद लाल मीणा, मुख्य सचिव डी बी गुप्ता यहाँ पर मौजूद है, सीएम के प्रमुख सचिव कुलदीप राठा यहाँ पर मौजूद है, तमाम ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पर मौजूद है और वो भी यहाँ पर गांधी के प्रिय वचनों को सुन रहे हैं और अब इसके बाद 2 मिनट का मौन रखा जाएगा, उसके बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी और सीएम यहाँ से कुछ देर बाद यहाँ से फिर पीसीसी के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल, तो तमाम कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री, कांग्रेस की विधायक इस सभा में मौजूद हैं, उनके भजन यहाँ पर सुन रहे हैं, महात्मा गांधी के प्रिय भजन। भरत, महात्मा गांधी की जैसी छवि रही है और जितना बड़ा उनका बलिदान रहा है, जितना उनका संघर्ष रहा है, शायद उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर उनकी छवि की हम बात करें, वो अहिंसा का समर्थन करते थे और कमोबेश उसी तरह की जो एक छवि है प्रदेश में वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की है, जो उनके समर्थक हैं वो हमेशा उन्हें प्रदेश के बापू के नाम से भी जानते हैं, हमने कई बार देखा है। निश्चित रूप से जिस तरह से महात्मा गांधी ने अहिंसा का समर्थन किया और सादगीपूर्ण जीवन दिया, उसी तरह प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की छवि भी उनमें देखते हैं और सादगी के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाने जाते हैं, उनकी भी एक सादगीपूर्ण छवि है और उसके लिए वो जाने जाते हैं, उनको भी गांधी कहा जाता है। तो अब वो मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद है और गांधी के पदचिन्हों पर ही चलते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ पर एक अहिंसा प्रकोष्ठ का गठन किया है और 150वीं जयंती जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मनाने का निर्णय लिया था उसी को एक साल बढ़ाते हुए और एक साल ज्यादा मनाने का निर्णय लिया, जहाँ पर विभिन्न स्कूलों और विभिन्न संस्थाओं में कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश सरकार की ओर से दिए गए हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती वर्ष 150वीं, उस पर विभिन्न कार्यक्रम स्कूलों में आयोजित किया जाए और महात्मा गांधी की जो शिक्षा है वो जन जन तक पहुंचाया जाए, उनके जो सिद्धांत है, उनके मौलिक कर्तव्य हैं वो सभी जगह पहुंचाया जाए, उनका भी लोग अनुसरण करें, उनका पालन करें और उनके पदचिन्हों पर चलने की काम करें, ये मुख्यमंत्री की सोच थी और उसी के अनुरूप उन्होंने सभी विभागों को निर्देश यहाँ पर दे रखे हैं और अहिंसा प्रकोष्ठ का उन्होंने यहाँ पर प्रदेश में गठन किया है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर भरत 3 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दरअसल दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सचिवालय से सीधी है जहाँ पर बापू के भजनों का गायन हो रहा है और उसी सभा में शिरकत करने पहुंचे हुए हैं तमाम कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद पहुंचे हैं, मुख्य सचिव भी यहां पर मौजूद हैं। वहीं दूसरी तस्वीर हम उस वक्त के दिखा रहे हैं जब महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित करने पहुंचे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और तीसरी तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं वो दिल्ली के राजघाट से है जहां पर एक अलग से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और क्योंकि राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, अलग अलग तरीके से इसका आयोजन पूरे देश भर में किया गया है, तो दिल्ली, राजधानी दिल्ली के राजघाट से भी एक तस्वीर दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। भरत, इसके अलावा भी क्या कहीं और भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए प्रदेश भर में आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को देखते हुए? देखिए, प्रदेश भर में इस तरह के कार्यक्रम सभी सरकारी जो कार्यालय वहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए, जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं आज पुण्यतिथि पर, सभी विभागों को इस तरह के कार्यक्रम आयोजित रखने के निर्देश भी दिए गए हैं, जहाँ पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हुआ विभागों में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जी जी, और अभी यह बड़ा कार्यक्रम सचिवालय में जहाँ पर यहाँ से शुरुआत हुई है और उसके बाद पीसीसी में इस तरह का कार्यक्रम होगा, शाम को सेंट्रल पार्क में इस तरह का कार्यक्रम होगा जहाँ पर प्रार्थना सभा होगी और वहाँ पर लोग पहुँचेंगे, वो भी गांधी के प्रिय वचनों का श्रवण करेंगे। तो यहाँ पर कुछ देर बाद ही मौन होगा और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, उनकी 150वीं जयंती को यादगार बनाने के लिए साल प्रदेश की सरकार ने अलग अलग निर्देश भी जारी किए थे, उन्हीं में एक निर्देश यह भी था कि ज्यादा भी सरकारी विभागों में अधिकारियों के बिना महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं लगी हुई है, वहाँ विभागों में उनके कार्यालयों में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर लगाई जाए, ये निर्देश भी इनकी ओर से दिए गए थे। वहीं सरकारी जो पत्र है उनमें भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का 150वीं जयंती का एक लोगो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पर लगाया जाए, इस तरह के निर्देश भी सरकार ने दिए थे। तो इस तरह राजस्थान की सरकार उनके कदमों पर चलने का काम करती है, उनके बताए मार्गों पर अनुसरण करती हुई आगे बढ़ती है, जनता के काम करती है,
ये सभी गहलोत सरकार की रही। बिल्कुल, तो यहाँ पर हमारे सहयोगी भरताज तमाम जानकारियां दे रहे हैं कि किस तरह से महात्मा गांधी की पुण्यतिथि जो है वो आज पूरे देश भर में मनाई जा रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि 72वीं पुण्यतिथि है महात्मा गांधी की। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। और आपको बता दें कि दिल्ली के बिड़ला हाउस में प्रार्थना सभा के लिए महात्मा गांधी जब जा रहे थे तो नाथुराम गोडसे ने उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। और इसी के साथ जो कहा जाता है कि जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तो फिर आखिरी शब्द जो उनके मुंह से निकले वो हे राम थे। और इसी के साथ महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर ये तमाम कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए गए हैं। आपको बता दें कि जो तीसरी तस्वीर आपको हम दिल्ली के राजघाट से दिखा रहे हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पहुंचे। उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि वहां पर अर्पित की और पूरा देश महात्मा गांधी की 72वीं पुण्यतिथि आज मना रहा है। इसी के साथ अलग अलग कार्यक्रम देश के अलग अलग कोने में आयोजित किए गए हैं। और इसी के साथ महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर अलग अलग शांति सभाएं रखी गई हैं जहां बापू के विचारों को याद किया जाएगा। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अलग अलग तरीके से महात्मा गांधी को याद किया है। और इसी के साथ प्रदेश में भी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। सचिवालय में सबसे पहले इसका आयोजन किया गया है। यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप देख रहे हैं, उनके भजनों को याद किया जा रहा है। अहिंसा और शांति का संदेश हमेशा से ही महात्मा गांधी ने दिया है और आज़ादी में किस तरह से अहिंसा और शांति का साथ लेते हुए उन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, इसे याद किया जा रहा है। आपको बता दें राष्ट्रपति ने भी उन्हें नमन किया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रदेश में जो है वो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। 3 तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सचिवालय से है जयपुर में, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस शांति सभा में मौजूद हैं। दूसरी तस्वीर जब पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे हुए थे। तीसरी तस्वीर दिल्ली के राजघाट से, जहां शहीदों को नमन किया जा रहा है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, इसी मौके पर सोनिया गांधी ने भी उन्हें याद किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। राजघाट वो पहुंची। डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री हैं, वो भी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट के जरिए महात्मा गांधी को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और राजघाट रक्षा मंत्री भी पहुंचे हुए हैं, तमाम सैन्य अधिकारी तीसरी तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं। दिल्ली के राजघाट से ये तस्वीरें हैं, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जयपुर के सचिवालय से, तीसरी तस्वीर दिल्ली के राजघाट से। और सहयोगी भरत राज हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार बने हुए हैं। भरत, यहाँ पर जयपुर में तो प्रोग्राम हो ही रहे हैं, पूरे देश भर में प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं। दिल्ली में खास तौर पर जब इस तरह से कोई बड़े स्तर पर कार्यक्रम होता है तो दिल्ली में एक अलग रूप देखने को मिलता है उसका। तमाम बड़े चेहरे, तमाम बड़े नेता आज राजघाट पहुंचे हुए हैं और महात्मा गांधी को याद किया जा रहा है। कोई ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है तो कोई राजघाट पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और उनके योगदान को याद कर रहा है। जो उन्होंने अहिंसा और शांति का पाठ लोगों को पढ़ाया था उसे याद कर रहा है। निश्चित रूप से जिस तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश की आजादी में योगदान था, उसके बाद अब आज जब पुण्यतिथि का उनका कार्यक्रम है तो तमाम संस्थाएं, सरकारी कार्यक्रम जगह जगह आयोजित किए जा रहे हैं और उन्हें विभिन्न रूपों में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। कई जगह उनके संदेशों को लोगों को बताया जा रहा है, कई जगह उनके प्रार्थनाएं सभाएं की जाती है, कई जगह 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। सचिवालय में कार्यक्रम है, राष्ट्रपिता महात्मा जी प्रतिमा यहाँ पर उन्हें पुष्प अर्पित किए गए हैं और श्रद्धांजलि उन्हें यहाँ पर दी गई है। और इस जो प्रतिमा की हम एक बात और बताते हैं कि जो ये प्रतिमा लगी हुई है यहाँ पर ही, अब कुछ लोग तो यहाँ पर विभिन्न ज्ञापनों के माध्यम से भी सरकार से अर्ज करने लगे हैं कि सरकार इनके माध्यम से सुनेगी, क्योंकि जिस तरह से गांधी वाली मुख्यमंत्री माने जाते हैं तो सरकार लोग कुछ पहुंचते हैं तो यहाँ पर ही ज्ञापन रखकर उनसे कुछ मांग करते हैं कि सरकार इनकी बातों को सुनेगी। इस तरह से इस यहाँ की प्रतिमा की भी लोग देखने लगे कि यहाँ पर कुछ ज्ञापन रखेंगे, सरकार उनकी भी सुनेगी।
बिल्कुल भरत, लेकिन जानकारियों के मुताबिक आज देश भर में प्रदर्शन भी होना है, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और वही महात्मा गांधी जिन्होंने लोगों को अहिंसा, शांति, धैर्य और इन तमाम चीज़ों का पाठ पढ़ाया, तो क्या उनकी पुण्यतिथि के मौके पर इस तरह से प्रदर्शन करना क्या सही है? देखिए, महात्मा गांधी ने हमेशा अहिंसा का समर्थन किया है। लोग अपनी मांगों को लेकर आज सीए के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। अगर उनका शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहता है अपनी मांगों के लिए तो इस तरह ठीक है, लेकिन अगर अहिंसक होता है तो वो गलत है उनके पुण्यतिथि पर। तो सीए को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं जैसा कि है, तो आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, लोग श्रद्धांजलि उन्हें दे रहे हैं, पुष्पांजलि जगह जगह अर्पित की जा रही है, 2 मिनट का मौन रखा जा रहा है। तो इस तरह से उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें कई रूपों में याद किया जा रहा है। लोगों ने सुबह से ही उनके फेसबुक, ट्विटर, उनके श्रद्धांजलि, उनके मैसेज दिए हैं, अपने फेसबुक पे डाले हैं, इंस्टाग्राम पर शेयर किया है और ट्वीट के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि लोगों ने अर्पित की है। कई मंत्रियों ने अपने ट्विटर हैंडल पर उनको श्रद्धांजलि दिए है। इस तरह से आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को देश भर में याद किया जा रहा है। बिल्कुल, तो अलग अलग तरीके से उन्हें यहाँ पर याद किया जा रहा है पूरे देश भर में। तो दिल्ली में भी देखिए एक सभा का आयोजन किया गया जहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी आप देख पा रहे हैं, दिल्ली के राजघाट पर इस कार्यक्रम का आयोजित किया गया। वहीं जयपुर में सचिवालय में एक शांति सभा रखी गई है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 72वीं पुण्यतिथि आज पूरा देश मना रहा है और महात्मा गांधी के दिए हुए विचारों को पूरी दुनिया में याद किया जाता है। आज भी उनके विचार पूरी दुनिया में जिंदा हैं कि किस तरह से अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए महात्मा गांधी ने देश को आज़ादी दिलाई, देश की आज़ादी में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई, लोगों को किस तरह से धैर्य का, शांति का, अहिंसा का पाठ पढ़ाया। आज़ादी को लेकर उनका जो संघर्ष था वो साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ था, जब पहली बार उन्होंने साउथ अफ्रीका में रह रहे हिंदुओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और फिर वो लड़ाई लड़ते लड़ते किस तरह से महात्मा गांधी भारत पहुंचे, भारत के बाद किस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुए उसको लेकर महात्मा गांधी की लड़ाई वहां तक पहुंची और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए किस तरह से उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई। तो राजघाट की ये तीसरी तस्वीर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की महात्मा गांधी को और अब खुद राजघाट पहुंचे हुए हैं। एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया है। इससे पहले आपको बता दें कि राजघाट पर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पहुंची, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पहुंचे, यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई, तमाम सैन्य अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, शहीदों को भी यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और तमाम मंत्री, केंद्र के मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक शांति सभा का आयोजन किया गया है जहाँ सब लोग बैठे हैं, मौन रखा जाएगा 2 मिनट का और मौन के जरिए महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। आप देख सकते हैं तीसरी तस्वीर दिल्ली के राजघाट से है जहां सैन्य अधिकारी मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब राजघाट पहुंचे हुए हैं महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने। देख सकते हैं आप यहां पर पुष्प अर्पित किए हैं, कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इससे पहले उन्होंने ट्वीट किया था, अपने ट्वीट में लिखा था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन, पूज्य बापू के व्यक्तित्व, विचार और आदर्श हमें सशक्त, सक्षम और समृद्ध न्यू इंडिया के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। आपको बता दें कि महात्मा गांधी स्वच्छता को लेकर उन्होंने हमेशा से काम किया है, स्वच्छता का संदेश दिया और उसी को आगे बढ़ाते हुए मोदी सरकार भी काम कर रही है।